हेलो, गुड आफ्टरनून, सुजीत बात कर रहा हूँ। वाशी वालों को लिंक पहुँचाया क्या? वाशी में से है लोग कुछ? परफेक्ट ड्राइविंग स्कूल वाशी। हेलो, मैंने ज्वाइन किया वाशी से। अच्छा, थैंक यू सर, वेलकम। कोपर खेरना से? कोपर खेरना से मैंने ज्वाइन किया, कोपर खेरना से। हाँ, मैं वो कितना आप तक वेलकम सर, वेलकम। घनसोली, घनसोली से? घनसोली न्यू परफेक्ट, घनसोली न्यू परफेक्ट से अतुल कुमार लिंग मत। घनसोली न्यू परफेक्ट से है कोई? थाना से रजपूत ड्राइविंग स्कूल? आप तक लिंक पहुंच गए, वेलकम वेलकम। देखिए, आज का जो टॉपिक है गाड़ी के पेपर्स के बारे में, तो मैं मेरा स्क्रीन आपके साथ शेयर करूंगा, तो मुझे बताना कि स्क्रीन क्लियर दिख रहा है क्या आपको। और जिन लोगों ने मुझे लास्ट वीक नंबर भेजे थे ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए, ड्राइविंग लिटरेसी करके ग्रुप है उसमें ज्वाइन करने के लिए, उनके सबके नंबर मैंने लिख लिए। आज या कल में वो लोग सब उस ग्रुप में कनेक्ट हो जाएंगे मेरे साथ। आज नए लोग जो ज्वाइन कर रहे हैं हमारे साथ, वो लोग को भी बता दूँ कि हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं, नाम है ड्राइविंग लिटरेसी। इस ग्रुप में हम करीबन 50 से 100 मेंबर के करीब लोग सोशल लेंगे। सिर्फ उसमें एक इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है आपको कि कोई गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हैप्पी बर्थडे कुछ नहीं होगा, सिर्फ रिलेटेड टू ड्राइविंग, रिलेटेड टू कार एंड रूल्स एंड रेगुलेशन, डिफरेंस ड्राइविंग, बस इसी के बारे में नॉलेज होगा। कुछ टास्क दिया जाएगा आपको, आपके गाड़ी के बारे में होगा या फिर ट्रेनिंग के बारे में, तो बस उनको फॉलो कीजिए। तो जो लोग इंटरेस्टेड है ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए, आप लोग मुझे ये क्लास खत्म होने के बाद मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। चार ग्रुप है सर मेरे पास, वैसे चार टोटल, मैंने आपने जो नंबर दिया था उसका भेजे सर दो बार आपको। जरूर जरूर सर जरूर, कल हम 100% कल हो जाएगा आप लोगों का। 50 लोगों का ग्रुप हो जाएगा तो मैं करने वाला था, लेकिन अभी मैं जितना लोग है उतना कर दूंगा। ऑलरेडी चार ग्रुप है मेरे पास, 50-50, मतलब 200 लोग मेरे साथ कनेक्टेड है। अभी ये नया आप ग्रुप, पांचवा ग्रुप बन रहा है। और क्या है, आप कहाँ से बात कर रहे हो सर? सर उल्लासनगर से, समर्थ मोटर हो, समर्थ मोटर से काफी दूर से हो आप, थैंक यू। अच्छा, आप लोगों के लिए स्पेशल थैंक्स है उल्लासनगर वालों के लिए, क्योंकि क्या है कि हमारे यहाँ पे नवी मुंबई के जो लोग है ना, नवी मुंबई या थाना में, ये लोगों को मेरे क्लासेस की आदत है, तो वो लोग को पता है कि हम लोग क्लासेस लेते हैं यहाँ पर, वो इंटरेस्ट करते हैं इन क्लासेस के लिए हमारे ट्रेनिंग स्कूल वालों को। अगर कभी लिंक लेट पहुंचा ना, तो वो लोग उनको फोन करके पूछते कि ये हफ्ते का लिंक क्यों नहीं आया। लेकिन आप लोग के यहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया उल्लासनगर में, शुरुआत में थोड़ा कम रिस्पॉन्स मिला, लेकिन अभी धीरे धीरे काफी लोग जुड़ते रह जा रहे हैं हमारे साथ, तो थैंक्स आपका। यस, आप इस पर भी थोड़ा ध्यान दे रहे हो। क्या है कि आज नहीं तो कल ये सिस्टम तो हम लोग को सीखना ही पड़ेगा। एक आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। हमारे सब ड्राइविंग स्कूल वाले जो है ना, ये सब जाके गडकरी गडकरी साहब से जाके मिले थे एक महीना पहले, मीटिंग था। उस मीटिंग में गडकरी साहब ने उनको बताया कि ये सिस्टम है जो हम चेंज करने वाले, ड्राइविंग का लाइसेंसिंग जो सिस्टम है ना, वो सिस्टम चेंज होने वाला है। तो आज हम लोग जो सिस्टम फॉलो कर रहे हैं कि पहले लर्निंग लाइसेंस का एग्जाम दो, लर्निंग लाइसेंस बनाओ, और उसके बाद में जाके एक महीना ट्रेनिंग देके फिर टेस्ट हो, तो पूरा सिस्टम चेंज होगा। तो नया सिस्टम इंट्रोड्यूस होने जा रहा है जिसका नाम है 3-gate सिस्टम। तो आप लोग तो निकल गए, आपका लाइसेंस बन जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल से 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद जो लोग ज्वाइन करेंगे ना, उन लोग के लिए काफी मुश्किल होगा। 3 एग्जाम होंगे टोटल, उसके बाद जाके लाइसेंस मिलेगा। तो काफी पीछे का सिस्टम है, हम लोग को भी अपने आप को अपग्रेड करना होगा सिस्टम के लिए। तो आप लोगों को आज ही तो कल ये चीजें सीखनी होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा कोशिश है कि हर संडे को एक नया टॉपिक लेके आपके सामने आते हैं।
तो आज का टॉपिक जो है ना आपको लगेगा बोरिंग, गाड़ी के पेपर्स के बारे में, कि बाबा ये गाड़ी का पेपर वो करेगा। आप लोग सवाल पूछो, आप लोग जब सवाल पूछते हो तो मुझे भी कुछ अच्छा लगता है कि आप मुझे सुन रहे हो या आप उस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हो। सवाल वही पूछता है जो उस चीज को समझने की कोशिश कर रहा है। तो आप लोग सवाल पूछो, आपका एक सवाल है ना, यहाँ पे 50 लोग हैं हमारे पास, इन लोगों को भी हेल्प करेगा। ओके, तो थैंक यू, सब लोग जरा जल्दी ज्वाइन हो गए। इसलिए लास्ट वीक क्या हुआ था कि कुछ लोग सवा एक डेढ़ बजे के बाद ज्वाइन हुए थे, मैं उनको कनेक्ट नहीं कर पाया। अगले संडे मैं जूम पे मीटिंग लूंगा, जूम के प्लेटफॉर्म पे हम लोग मीटिंग करेंगे और उसका पासवर्ड आपको दे दूंगा, तो मुझे आपको एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप कभी भी ज्वाइन हो सकते हो। लेकिन कोशिश करो कि आप एक बार ज्वाइन हो जाओ। मैं मेरा स्क्रीन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, आपसे मुझे ये बताइए कि मेरी स्क्रीन आपको क्लियर दिख रही है। हेलो, प्लीज रिप्लाई कीजिए, मेरा स्क्रीन आपको क्लियर दिख रहा है। गैर वीक मुझे कुछ लोगों ने मांगा था मेरा पीपीटी, कुछ लोगों को तो मैं भेज पाया लेकिन कुछ लोगों के पास नहीं पहुंचा। तो जो लोग ग्रुप ज्वाइन करेंगे उनको तो मैं सारी पीपीटी ग्रुप में ही डालने वाला हूँ, नो इशू, आपको मिल जाएगा सब लोगों को। ओके, देखो ये आज का टॉपिक है, इंस्ट्रक्शनल डॉक्यूमेंट टू बी कैरी विथ योर मोटर व्हीकल। जब आप ड्राइव करोगे ना रोड पे, तो आपकी गाड़ी के साथ कौन से पेपर होने चाहिए उसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। तो यहाँ पे तो शुरू ये होता है कि मैं ओरिजिनल बताऊंगा, तो मैं क्या करता हूँ, मेरे कार में तो मेरा जेरोक्स है, ऑल जेरोक्स है मेरे कार में, क्योंकि मैं तो इस दिन महाराष्ट्र ही ड्राइव कर रहा हूँ, तो मैं डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा है, वी कैनॉट सी द स्क्रीन। स्क्रीन हाँ, मैं फिर जाता हूँ शेयर करने के लिए, दो मिनट रुकिए। ओके, अभी हाँ अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। ओके ठीक है, देखो ये इंसेंशियल डॉक्यूमेंट कौन से डॉक्यूमेंट कैरी करते हो, मैं क्या करता हूँ, मैं जेरोक्स कैरी करता हूँ। मेरे पास एक ऐप है यहाँ पर डिजी लॉकर करके, ये डिजी लॉकर ऐप में मैंने मेरे सारे डॉक्यूमेंट स्टोर करके रखे हुए हैं। इवन मेरा ड्राइविंग लाइसेंस भी मैं ओरिजिनल कैरी नहीं करता, मैं वो डिजी लॉकर में ही दिखाता हूँ पुलिस वाले। ओके, क्योंकि मुझे जब गुस्सा तब आता है जब वो मेरा लाइसेंस लेके वहां से चला जाता है बाजू में किधर, मुझे मेरी गाड़ी छोड़ के उसके पीछे भागना पड़ता है, तो मैं उसको डिजी लॉकर में रख दिया मैंने। तो कौन से डॉक्यूमेंट हम लोग को कैरी करने हैं, तो मैं इसको प्रेजेंटेशन मोड में डालता हूँ, फिर बताना आपको दिख रहा है क्या, अभी ठीक है? यस सर। ओके, देखो इसका ना स्क्रीन शॉट निकाल लो, इससे मेरा नंबर है नीचे, अगर आपको बाद में कोई डाउट है, आपको मेरे ग्रुप के साथ ज्वाइन होना है, तो आपको ये नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करना, तो इसका स्क्रीनशॉट निकालो, ये नंबर नोट कर लो मेरा। ठीक है, देखो ये चार डॉक्यूमेंट है जो सिर्फ आपको गाड़ी चलाते गाड़ी के साथ रखना है। जिससे सबसे पहले था रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ मोटर व्हीकल, ये आरसी बुक है जिसको हम लोग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ मोटर व्हीकल कहते हैं, आप लोग इसको आरसी बुक कहते हैं। पहले ये बुक के साथ मिलता था इसलिए आरसी बुक कहते थे, बाद में फिर ये स्मार्ट कार्ड बनने लगा। बीच में 2017 से 18 के बीच में वो स्मार्ट कार्ड का कॉन्ट्रैक्ट जो गवर्नमेंट का था वो नहीं हुआ, रिन्यू नहीं हुआ था, इसलिए उस वक्त में जिन्होंने 2017 या 18 के आसपास गाड़ियां खरीदी ना, उन लोगों को पेपर मिला था, A4 साइज पेपर मिला था आरसी बुक का, तो वो भी मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ। आपको क्या करना है, आपके घर में जो भी व्हीकल्स है, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, उनका सबका चारों डॉक्यूमेंट आपको वहां पर देखना रहने से कि ये डॉक्यूमेंट मेरे पास है क्या, तो टाइम निकालो सारे डॉक्यूमेंट देखो, नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे व्हाट्सअप करो, वो डॉक्यूमेंट का फोटो मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। तो आरसी बुक जिसको कहते हैं रजिस्ट्रेशन है मोटर व्हीकल। दूसरा डॉक्यूमेंट है इंश्योरेंस, ये मैंडेटरी, आपके पास इंश्योरेंस होना ही चाहिए, विदाउट इंश्योरेंस आप ड्राइव ही नहीं कर सकते रोड पे। अगर आपको रोड पे गाड़ी चलानी है ना, तो आपके पास इंश्योरेंस होना चाहिए। फिर कितने टाइप का होता है इंश्योरेंस, कौन सा इंश्योरेंस होगा, ये हम लोग आगे जाके बात करें। तीसरा डॉक्यूमेंट है पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, मतलब पीयूसी सर्टिफिकेट, इसको पीयूसी कहते हैं गाड़ी का। आपने रास्ते में देखा होगा ऑनलाइन पीयूसी लिखा हुआ है, तो ये ऑनलाइन पीयूसी जो होता है वो आप वहाँ पे अपन गाड़ी का पीयूसी निकाल सकते हो, एक सर्टिफिकेट आपको प्रिंटर मिलेगा A4 साइज से, वो आप गाड़ी के साथ रखो, ये 3 या 4 दिन में ऑनलाइन अपडेट हो जाता है ऑटोमेटिक।
और सबसे लास्ट वाला जो आप अभी कर रहे हो वो है ड्राइविंग लाइसेंस। तो ड्राइविंग लाइसेंस कैसा है, ये तीन जो डॉक्यूमेंट है ऊपर के वो रिलेटेड टू व्हीकल है कि वो उस व्हीकल के होने चाहिए, और ड्राइविंग लाइसेंस जो आगे स्टेयरिंग पे बैठ के ड्राइव कर रहा है उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तो अभी सारे डॉक्यूमेंट हम लोग एक वन बाय वन देखेंगे, बहुत सारे उसमें को। तो पहले शुरुआत हम लोग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से करेंगे। तो ये स्मार्ट कार्ड टाइप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है जिसको आरसी बुक ऐसे कहा जाता है। ओके, ये उसका फ्रंट साइड है आरसी बुक का, और उसका पीछे के जो बाजू है रियर साइड जो उसका बैक साइड है वो ये है। उसका बैक साइड में आप देख सकते हो महाराष्ट्र ट्रेड इश्यू के ऐसे महाराष्ट्र का नंबर नाम लिखा ऊपर, उसका मैप है हमारा, आरटीओ का सिम्बॉल है, और एक चिप है यहाँ पे दिखता है आपको सिम कार्ड जैसा एक छोटा सा चिप है। ये चिप को संभालना है आपने आरसी बुक में। क्या होता है कभी मिस हैंडलिंग की वजह से, किसी वजह से ये जो चिप है ना ये निकल जाता है यहाँ पे, चिप इंस्टॉल हो गए तो आपको दिक्कत होगी। आप कोई भी काम के लिए आरसी बुक आरटीओ में जमा करोगे ना तो आपको खुद उधर जाना पड़ेगा वेरिफिकेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास एक आरसी बुक आया था लोन कैंसिलेशन के लिए, मतलब गाड़ी के ऊपर लोन था वो कैंसिलेशन करने के लिए आया था, या फिर कभी मेरे पास आता है गाड़ी ट्रांसफर के लिए। तो उस वक्त अगर ये चिप रीड नहीं हुआ ना उनके सिस्टम में, उनके मशीन में, तो ओनर को आना पड़ता है। तो ओनर को खुद वहां पे जाना पड़ेगा, उनका आईडी कार्ड दिखा के वहां पे वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, तब जाके इनका काम होगा। तो ये चिप अगर रीड नहीं हुआ तो दिक्कत आती है, तो इससे इसको संभाल लेंगे। तो कोई स्क्रैच नहीं होना चाहिए या फिर डैमेजेस नहीं होना चाहिए इसके अंदर, इस बात को संभालो। ओके, ये फ्रंट साइड है। फ्रंट साइड में भी क्या क्या होता है, फ्रंट साइड में इसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है तो देखो, इसमें ये मैंने जो एरो बनाया ना, ये जो नंबर है ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र में जितने भी जगह पे गाड़ी ट्रांसफर होगा, समझो मैंने कोई गाड़ी पुणे से खरीदा तो उसका ये नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर चेंज नहीं होगा, ओनर चेंज होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर चेंज होगा नहीं जब तक स्टेट चेंज नहीं होता है। अगर मैंने किसी और स्टेट का गाड़ी लिया तो नंबर चेंज होगा, मेरा गाड़ी किसी और स्टेट में मैंने बेचा तो नंबर चेंज होगा, विद इन स्टेट कितने भी ओनर चेंज होने दो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर चेंज नहीं होता है। ओके, तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर MH फॉर महाराष्ट्र 04 वो कंसर्न आरटीओ, जैसे 04 थाना है, 05 कल्याण है, 46 पनवेल है, 03 वडाला है, तो ये उस उसके नंबर है। उसके बाद में सीरीज है GU, ये सीरीज है जैसे A से शुरू हुआ था ABCDEFGZ तक गया, फिर Z के बाद में उन्होंने फिर शुरू किया AA AB AC AD, ऐसा उन्होंने किया। फिर जिस दिन वो Z की जो सीरीज शुरू समझ आएगा फिर शुरू करेंगे BA BB BC BD, ऐसा। तो ये सीरीज है। ओके, इसमें भी क्या होता है, सीरीज में क्या होता है, उन लोग उनकी सहूलियत के लिए लोग क्या करते हैं, तो प्राइवेट व्हीकल के लिए समझो GU सीरीज उस टाइम था, GU सीरीज प्राइवेट व्हीकल के लिए दे दिया था, और CA सीरीज होगा वो ऑटो रिक्शा के लिए दे दिया, कमर्शियल व्हीकल्स के लिए, ट्रक के लिए उन्होंने JG सीरीज ट्रक के लिए दे दिया। तो ऐसा अलग अलग वो लोग बनाते हैं उनके सहूलियत के लिए। तो ये सीरीज है, अपनी कार का सीरीज है, और आगे जो है चार डिजिट का रजिस्ट्रेशन नंबर है। आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर है 98 99, ऐसा कुछ भी नंबर है, तो एक डिजिट का नंबर है। तो आप ऐसे नहीं लिख सकते MH04GU98, ऐसे नहीं लिख सकते, आपको ऐसे लिखना होगा MH04GU0098, हमेशा वो चार डिजिट में ही होना चाहिए गाड़ी के ऊपर या किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर, याद रखना। फिर आपकी गाड़ी का नंबर समझो 137 है तो आप 0137 ऐसा लिखो। ओके, तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर है। रजिस्ट्रेशन नंबर के बाद नेक्स्ट इसके अंदर अगर कुछ है तो देखो, ये है, ये डॉक्यूमेंट नंबर। डॉक्यूमेंट नंबर मतलब ये जो कार्ड है, ये जो भी प्रिंट हुआ था उसको एक डॉक्यूमेंट नंबर था, जैसे आपका जो सर्टिफिकेट होते हैं ना आपके, आपने आपके क्वालिफिकेशन के जो आपके सर्टिफिकेट है एजुकेशन भी। तो अगर ये डॉक्यूमेंट नंबर ऑथेंटिकेशन है, इस डॉक्यूमेंट का ऑथेंटिकेशन है, तो डॉक्यूमेंट नंबर है। उसके बाद यहाँ पर जो है ये ओनर गाड़ी का ओनर तो ये है, तो ओनर का नाम ऊपर लिखा होगा, उसका रिलेशन जो होगा वो लिखा होता है, तो उनके नाम से अपना ही नाम लिखा होता है। कोई यूज कार खरीदा है और आप ट्रांसफर करो तो यहाँ पे आपका नाम चेंज रहेगा, पहले ओनर का नाम निकल का नाम के बाद नेक्स्ट है यहाँ पर गाड़ी रजिस्टर कभी बना हुआ है वो नीचे देखो लिखा हुआ, देखो अगर आप दो चार लाइन नीचे की तरफ जाओगे तो वहां पे रजिस्ट्रेशन डेट लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा रजिस्ट्रेशन मैन्युफैक्चरिंग डेट,
मार्च 2015 का मैन्युफैक्चर्ड ये गाड़ी और अप्रैल 2015 को रजिस्टर्ड हुआ था, मतलब तो ये गाड़ी 2015 का है रजिस्टर हुआ गाड़ी। और ये वैलिड कब तक है? तो जिस दिन प्राइवेट व्हीकल जो होती है जिस दिन रजिस्टर होती है उस दिन से वो 15 साल तक वैलिड होती है, मतलब तो आपकी गाड़ी की लाइफ 15 ईयर्स है, 15 साल है। तो अभी रजिस्ट्रेशन आई डी कितना होता है 2030, तो ये गाड़ी मेरा 2030 तक वैलिड है। पूरा पास नहीं दिख रहा अभी गवर्नमेंट का व्हीकल कोड है। सॉरी सर बोलिए। पूरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं दिख रहा है, अभी दिख रहा है। ओके थैंक यू। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रहे हैं। तो ये स्क्रैप ऑर्डर जो है, ये स्क्रैप ऑर्डर तो बाकी लोगों को वॉइस आ रहा है बराबर, बाकी लोगों को आवाज आ रही है? मेरे पास तो लैपटॉप प्रॉपर है। नहीं नहीं आवाज नहीं आ रही, वॉइस ब्रेक हो रही। आवाज आ रहा है क्या अभी? हेलो ठीक है मैंने मोबाइल का नेटवर्क चेंज किया मेरे, तो ठीक है। ये जो रजिस्ट्रेशन डेट है ये तभी का है जब गाड़ी रजिस्टर हुआ। किसी का माइक ऑन है प्लीज, माइक बंद कीजिए तो इको बंद हो जाएगा, इको बंद हो जाएगा, प्लीज माइक बंद कीजिए। देखो तो ये 15/4/2015 रजिस्ट्रेशन डेट है और ये 15 साल के लिए वैलिड है। अभी गवर्नमेंट व्हीकल को 15 साल के बाद स्क्रैप ऑर्डर आया, मतलब गवर्नमेंट का जितना भी व्हीकल है ये सारा स्क्रैप होगा, फिर वो कोई भी डिपार्टमेंट का हो, स्टेट गवर्नमेंट का है या सेंट्रल गवर्नमेंट का है, सारा व्हीकल जिसके ऊपर गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन है, मतलब गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट है या फिर आपका इवन आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का भी है, तो ये सब गाड़ियों को बंद ऑर्डर निकाला है स्क्रैप। दिल्ली में प्राइवेट व्हीकल्स को भी स्क्रैप ऑर्डर है 15 साल के बाद, वो लोग उसको नहीं दे, लेकिन महाराष्ट्र में हमारे 15 साल के ऊपर को अभी फिलहाल हम लोग टैक्स पे करके अगले 5 साल में हम एक्सटेंड कर सकते हैं 15 साल ज्यादा से व्हीकल होगा तो, लेकिन वो मैकेनिकली फिट होना चाहिए, व्हीकल मैकेनिकली फिट होना चाहिए। अभी ये मेरा व्हीकल कब तक वैलिड है? 2030 तक। आने वाले दिनों में अगर कोई नया नोटिफिकेशन आया तो मुझे भी 15 साल के बाद का जो व्हीकल है उसको स्क्रैप करना पड़ेगा। ओके अभी नेक्स्ट है, देखो रजिस्ट्रेशन डेट के बाद नेक्स्ट आता है ओनर। तो गाड़ी का कितना ओनर हो गया? तो जब शोरूम से गाड़ी खरीदा जाता है तो फर्स्ट ओनर, उसके बाद वो दूसरे को बेचेगा, तीसरे को बेचेगा, चौथे को बेचेगा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ओनर्स आ जाता है, तो आपको पता चलता है कि ये गाड़ी ये आदमी के नाम पे, लेकिन इसके पहले इसके कितने ओनर थे, तो यहाँ पर दिखेगा आपको। ओके देन LTD, किसको दिख रहा है LTD? टैक्स पेड अप टू LTD। यस सर। हाँ, ये LTD का मतलब होता है लाइफ टाइम टैक्स, मतलब जिस दिन हम गाड़ी खरीदेंगे उस दिन हम उसका टैक्स पे करते हैं वन टाइम, और वो कितना लाइफ है गाड़ी का? तो 15 साल। और उसका लाइफ कब तक है? तो इधर लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन वैलिडिटी, मैंने आपको दिखाया था 2030 तक, तो इस गाड़ी का टैक्स मैंने 2030 तक पेड करके रखा है। इससे रिसिप्ट मिलता है आपको, टैक्स पेड रिसिप्ट, ये आपको घर पे संभाल के रखना है, गाड़ी के साथ रखने का जरूरत नहीं, क्योंकि RCS पे लिखा हुआ है लाइफ टाइम टैक्स पेड करके प्राइवेट व्हीकल्स। उसके बाद हाइपोथेटिकल टू, ये जरा ध्यान देने लायक बात है। देखो हाइपोथेटिकल टू मतलब जब मैं कोई गाड़ी ग्रीन टैक्स, मतलब गाड़ी को 15 ईयर्स, देखो अभी ये गाड़ी को 15 ईयर्स कंप्लीट हो चुका है, ऐसा एज्यूम करो कि गाड़ी को 15 साल तो कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया तो इसका टैक्स तो खत्म हो गया ना, जो मैंने लाइफ टाइम टैक्स भरा था वो खत्म हो गया। तो अब मुझे गाड़ी को 15 साल के ऊपर की गाड़ी को और भी चलाने लायक है मेरे पास गाड़ी, मेरी गाड़ी का कंडीशन अभी अच्छा है कि मैं और इसको चला सकता हूँ, तो फिर उस वक्त हम गवर्नमेंट को ग्रीन टैक्स पे करते हैं। तो ग्रीन टैक्स अभी समझो आपका 2 लाख रहेगा तो 2000 रुपए ग्रीन टैक्स है,
अगर आपका फोर व्हीलर रहेगा तो 3,000 रुपए के आसपास ग्रीन टैक्स है, और ये ग्रीन टैक्स 5 ईयर्स की रहता है। जैसे ये कैसा टैक्स था गाड़ी का, वैसे ग्रीन टैक्स होता है वो, कि ये 5 ईयर्स के लिए हम लोग आगे के पे करते हैं वो ग्रीन टैक्स। जो 15 साल के ऊपर की गाड़ियां हैं उसको आपको और चलाना है तो आपको ग्रीन टैक्स पे करना होगा। तो आप 5,200 रुपया गवर्नमेंट को पे करो रजिस्ट्रेशन चार्जेस वापस से री रजिस्ट्रेशन का 5 साल के लिए, और ग्रीन टैक्स पे करो 3,000 रुपया। ऐसा आपका 8,000 या 9,000 रुपया गवर्नमेंट को पे करने के बाद आपका गाड़ी जाके आरटीओ में दिखाओगे, और वो वहाँ पे अगर आपकी गाड़ी मैकेनिकल फिट वहाँ पे उन्होंने सर्टिफाइड किया तो आने वाले 5 साल तक आपको गाड़ी का ये वैलिडिटी बढ़ के मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन वैलिडिटी नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए बढ़ेगा, वो ग्रीन टैक्स है। ओके ओके थैंक यू सर। हाँ अभी देखो उसके बाद हाइपोथेटिकली टू, मतलब जब मैंने गाड़ी खरीदा तो मैंने गाड़ी फाइनेंस पे लिया था, तो जब मैं गाड़ी फाइनेंस में लेता हूँ तो पहले क्या होता था कि ये हाइपोथेकेशन जो था ना वो नहीं हुआ करता था। तो सिर्फ गाड़ी फाइनेंस लेने लोग उसमें चीटिंग करते, लोग क्या करते थे, एक गाड़ी बैंक से फाइनेंस करके लिया और फिर उसी गाड़ी पे दूसरे बैंक से भी फाइनेंस लिया, तीसरे बैंक से भी फाइनेंस लिया, फिर ये गाड़ी किसी और को बेच दिया उससे भी पैसा लिया और बाद में भाग गए। अभी पैसा किधर से वसूल होगा, गाड़ी को 3-3 बैंक से लोन लिया हुआ है, चौथे आदमी को बेचा हुआ है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर वो क्या करने लगे कि गाड़ी का आरसी बुक जो है वो बैंक खुद के पास रखने लगी कि आरसी बुक बैंक के पास रहेगा जब तक कि लोन खत्म नहीं होगा। जैसे हम लोग घर का डॉक्यूमेंट कैसे बैंक के पास रखते हैं जब हम लोग होम लोन लेते थे भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, तो वैसे। लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने फिर एक नया सिस्टम और इससे इंट्रोड्यूस कर दिया कि आरसी बुक के ऊपर ये मेंशन होने लगा कि गाड़ी कौन से बैंक से लोन लिया हुआ है, और वो गाड़ी वहां पे अभी तक गिरी हुई है। तो जो भी फाइनेंस कंपनी आपको लोन देती है वो आपकी गाड़ी को हाइपोथेटेड कराते हैं, आपकी गाड़ी को गिरवी रखती है अपने पास जब तक कि आप पूरा लोन पेड ना करें, और ये मेंशन होता है यहाँ पर। तो आपके आरसी बुक के ऊपर ये हाइपोथेटेड टू लिखा है, मैंने जो एरो बनाया इसके आगे वो बैंक का नाम होगा SBI HDFC जो भी बैंक से आपने लोन लिया है, आप सारी किस्तें पे कर दोगे 3 साल में 4 साल में जो भी आपका तने चले। तो किस्तें सारी पे करने के बाद आपके हिसाब से तो लोन खत्म हो गया। देखो आप में से भाई बहुत से लोगों ने अभी 2 व्हीलर खरीदा होगा जो फाइनेंस से, या 4 व्हीलर खरीदा होगा और आपका लोन भी खत्म हो चुका होगा, तो आपके हिसाब से तो ओके है। लेकिन आरटीओ के रिकॉर्ड में अभी भी वो गाड़ी उस बैंक के पास गिरी हुई है। अगर किसी वजह से ये आरसी बुक खो गया, पॉइंट हो गया, टीयर हो गया, डैमेज हो गया और आपको उसको रिप्लेस करना पड़ा, या फिर आपको गाड़ी किसी को बेचना है, तो आप कोई भी ट्रांजेक्शन उसके ऊपर नहीं कर सकते क्योंकि अभी भी वो गाड़ी बैंक के पास गिरवी है। अब आपको इसके लिए बैंक से एक NOC देना होता है कि हाइपोथेकेशन कैंसिलेशन के लिए एक NOC देना होता है। देखो ऐसा अभी एक ICICI बैंक का मेरे एग्जांपल के लिए एक NOC दिया है। ये NOC होता है जिसके ऊपर ओनर का नाम, ओनर का एड्रेस होगा लिखा हुआ, गाड़ी का नंबर लिखा होगा, और ऐसा एक NOC इश्यू करता है ये RTO के लिए, देखो लिखता है रीजनल ट्रांसफर ऑफिस, RTO के लिए एक NOC इश्यू होता है बैंक का। और एक बात ध्यान में रखो, ये NOC सिर्फ और सिर्फ 90 डेज के लिए वैलिड होता है। जिस दिन ये NOC इशू हुआ मार्च 21 2023 को अगर ये इशू हुआ था अप्रैल मई जून में ये खत्म हो गया, तो कोई भी NOC 90 डेज के लिए ही वैलिड होता है। अगर आपने अभी तक अपने बैंक से NOC नहीं लिया हुआ है या लेकर रखा है घर पे, अभी तक आपने RTO में जमा नहीं किया, तो आपको नया NOC लेना पड़ेगा क्योंकि उसका तो वैलिडिटी खत्म हो गया है। ठीक है, इस NOC के साथ और एक डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा, वो है ये फॉर्म नंबर 35। देखो ये फॉर्म नंबर 35 है, इस फॉर्म नंबर 35 RTO में जमा करना है। इससे नीचे बैंक का स्टैंप और सिग्नेचर होगा, और जहाँ पे मैंने स्क्रिबल किया ना रेड कलर में, वहां पे आपको सिग्नेचर करना है, ओनर का सिग्नेचर है वो, तो वहां पे आप सिग्नेचर करो। और ये फॉर्म नंबर 35 और ये NOC ओरिजिनल RC बुक, आपका इंश्योरेंस PUC का फोटोकॉपी, आपका फोटो, ये सारी चीजें लेकर आप ऑनलाइन अप्लाई करो हाइपोथेकेशन कैंसिलेशन के लिए और RTO में जमा करो। फिर RTO इसका आगे का प्रोसेस करेगा, बैंक के साथ क्रॉस वेरीफाई करेगा, और उसके बाद आपका लोन कैंसिल होगा। तो उसके बाद फिर आपके RC बुक पे से ये हट जाएगा, ये मेरा लाल एरो है ना, उधर जो बैंक का नाम है वो हट जाएगा। वो हट गया मतलब अभी उधर का हाइपोथेकेशन कैंसिल हो गया है। तो आपके पास किसी ने लिया है क्या कोई गाड़ी जो आज तक आपने लोन कैंसिल ही नहीं किया हुआ है, 2 व्हीलर वगैरह? लोन तो खत्म हो गया लेकिन RTO से प्रोसेस नहीं किया आपने। हाँ सर, वो NOC अगर मैंने 90 डेज के बाद मतलब सबमिट नहीं किया है तो अगर फिर से NOC मिल सकता है?
वो लोग दे देंगे आपको। यस आप क्या करो, उनका नीचे ना एक नंबर है, वो जो एनओसी के ऊपर उनका एक टोल फ्री नंबर है, उससे कॉल करो और उन लोग को बोलो कि मेरा ये एनओसी एक्सपायर हो गया है तो मुझे नया एनओसी इशू करो। कुछ बैंक उसके लिए चार्जेस लेते और कुछ बैंक उसको फ्री में इशू करते हैं, तो चार्जेस भी लेगा तो 500 रुपीज लेते हैं वो लोग। एचडीएफसी बैंक ने एक कस्टमर से 500 रुपीज लिया था 1.5-2 साल पहले, अभी मालूम नहीं, लेकिन बहुत सारी बैंक जैसे SBI वगैरह तो फ्री में देती है उसको। तो आप अगर उस बैंक को कॉल करोगे उस फाइनेंस, वो तो आपको बाई पोस्ट वो लोग भेज देंगे मानवा फाइनेंस वाला, और आपका नया एनओसी आपको आएगा, वो आपका हाथ में जमा करें। लेकिन ये करो सर, क्या होगा अगर कुछ हुआ ना, जैसे गाड़ी का कोई मेजर डैमेज हो गया, आपने इंश्योरेंस क्लेम किया या टोटल लॉस हो गया, चोरी हो गया, तो आपको ये प्रोसेस की वजह से तकलीफ होगा, आपको ये करना होगा, नहीं तो तब तक आपको गाड़ी का क्लेम नहीं मिलेगा। हमने तो पेमेंट पूरा कर दिया है ना, लोन तो हमारा खत्म हो गया, तो ये प्रोसेस पूरा कर दो। अच्छा इसके बारे में और कुछ सवाल है तो हम लोग आगे बढ़े। यस देखो नेक्स्ट है, हाँ अभी देखो अभी और पेचीदा काम आया, आपका गाड़ी कौन सी फ्यूल पे काम करता है ये उस आरसीएफ पे लिखा होता है। तो यहाँ पे मेरे आरसीएफ पे लिखा हुआ है पेट्रोल / CNG, मतलब ये ड्यूल फ्यूल कार है, आइदर पेट्रोल जी आइदर CNG, दोनों में से किसी एक फ्यूल पे मैं चला सकता हूँ। ओके लेकिन CNG व्हीकल जो होती है, CNG व्हीकल जो होती है उसको हर 3 साल में, एवरी आफ्टर 3 ईयर्स, उसका जो टैंक है CNG का टैंक है उसको टेस्ट करना होता है आपको कि ये सेफ है के लिए, और इसका सेफ्टी चेक करने के लिए गवर्नमेंट की कुछ एजेंसी, गवर्नमेंट ने कुछ एजेंसी को यहाँ पर परमिशन दे के रखा हुआ है, उनका कुछ एजेंसीज है प्राइवेट एजेंसी जो गवर्नमेंट सर्टिफाइड है, वो लोग आपकी गाड़ी का टैंक को टेस्ट करेंगे, हाइड्रो टेस्टिंग कहते हैं उसको, उसका प्रेशराइज डाल के उसको चेक करेंगे, उसको उसमें कोई क्रैक्स है या वो प्रेशर सहने के लिए कैपेबल है क्या, और अगर वो टैंक उनके टेस्ट में सही पाया जाता है, सेफ पाया जाता है, तो वो आपको एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं CNG टेस्टिंग का सर्टिफिकेट। ओके तो ये हर 3 साल में होना जरूरी है। आप में से कोई है जिसके पास 3G व्हीकल है घर में, मम्मी का, पापा का, भाई का 3G व्हीकल, और 3 साल से बस मूवी चला रहे हो आप, आज तक आपने किया ही नहीं उसको सर्टिफाइड? मैं बताता हूँ कहाँ पे दिखेगा आपको ये, अगर आपने कोई यूज्ड व्हीकल खरीदा है ना, तो जहां से हम लोग CNG भरते हैं ना, वहां पे प्लेट लगा होगा, मेटल का एक प्लेट लगा हुआ है वहां पर, एम्बॉस किया हुआ, एम्ब्रॉयड अपना एम्बॉस किया हुआ एक प्लेट लगा हुआ है वहां पे, उसके ऊपर गाड़ी का नंबर लिखा है, सिलेंडर का नंबर लिखा हुआ है और वैलिड टिन ऐसा लिखा हुआ है, तो उसके ऊपर एक बार वैलिडिटी देख लो। नहीं समझ में आ रहा है तो किसी दिन मुझे वीडियो कॉल करो, मेरा नंबर तो मैंने आपको दिया हुआ है, मुझे वीडियो कॉल करो, मैं आपको दिखाता हूँ वो कहाँ पर है एग्जैक्टली। ओके तो ये करो और इसको सर्टिफाइड जरूर कराओ। किसी ने सर्टिफाइड किया हुआ है क्या, पता तो ऐसा किसी ने चेक किया क्या कि आपकी गाड़ी का CNG का टैंक आपने टेस्ट करा के लिया है? हेलो, नहीं ना किसी का है नहीं व्हीकल। ओके आगे जाके जो आप CNG व्हीकल लोगे या आप यूज कार लोगे CNG का, तो एक बार जरूर मेरे से बात करो कि बाबा मैंने ऐसा ऐसा गाड़ी लिया हुआ है, क्योंकि ये सिर्फ इतना ही नहीं है, CNG टेस्ट करना जरूरी नहीं है, CNG टेस्ट करने के बाद RTO में पासिंग करना भी जरूरी होता है। 99% मोटर व्हीकल यूजर्स को मालूम नहीं है कि हर 3 साल में मुझे गाड़ी को फिटनेस सर्टिफिकेट बनाना होगा RTO से, और ज्यादा खर्चा नहीं आता है, हार्डली 2-3 हजार में बन जाता है वो फिटनेस सर्टिफिकेट, तो वो 3 साल का वैलिड रहता है, लेकिन फिटनेस बनाना चाहिए आपने। अगर कल कुछ बड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है तो आपको इसके लिए फाइन लग सकता है, अभी भी आपका डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं है गाड़ी का, ये बात आपको बताऊं, ये बात हमारे ड्राइविंग स्कूल वालों को भी मालूम नहीं है। ये जो CNG व्हीकल को हर 3 साल में पासिंग सर्टिफाइड करा के उसको फिटनेस सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है ना भाई, हमारे स्कूल वालों को, एजेंट लोगों को पता नहीं, कई लोगों को, ये हम पिछले 35 साल से काम कर रहे हैं यहाँ पर, ये ड्राइविंग स्कूल में पेपर्स वर्क में, इसलिए हमें पता है। तो आप लोगों को भी ये पता होना चाहिए कि आपकी गाड़ी हर 3 साल में टैंक सेफ्टी के लिए आपको टेस्ट करना है, टेस्ट करके उसको RTO से पासिंग करा के लेना जरूरी है। ओके इसलिए कोई सवाल नहीं तो मैं आगे बढ़ू प्लीज, नहीं तो बाद में पूछो, क्लास खत्म होने का पूछो, लिखते रहो किधर, ठीक है नेक्स्ट। ये देखो ये RC बुक का दूसरा टाइप है, एक A4 साइज का पेपर एकदम पतला सा, इसके ऊपर एक RTO का स्टैम्प जो क्लियर नहीं दिखेगा, और नीचे साइज और नीचे की तरफ साइज, ये भी RC बुक है भाई, क्योंकि जिस वक्त आपने 2017-18 के बीच में कोई गाड़ी खरीदा है ना, तो उस वक्त
स्मार्ट कार्ड का कॉन्ट्रैक्ट बनता गवर्नमेंट का, तो वो लोग इस तरह से सर्टिफिकेट आपको इश्यू कर रहे थे। तो अगर आपका गाड़ी 17-18 के आसपास लिया हुआ है तो ऐसा कुछ पेपर ढूंढो आपके घर पे आरसीबुक की जगह पे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है इंश्योरेंस, मोटर व्हीकल इंश्योरेंस। व्हीकल इंश्योरेंस और मोटर इंश्योरेंस में वो किसके लिए है? टू व्हीलर, फोर व्हीलर, जो भी गाड़ियां रोड पे चल रही है, ट्रक, बस, एवरी व्हीकल जो रोड पे चल रहा है, सबको मैंडेटरी इंश्योरेंस निकालना ही होगा। इसमें टाइप का था इंश्योरेंस का, एक आता है पैकेज पॉलिसी जिसमें मैं भी मेरा गाड़ी भी कवर है, मैं भी कवर है, रस्ते पे चलने वाला पेडेस्ट्रियन भी कवर है। ओके, अगर कोई फ्लड आता है, कोई एयरस्ट्राइक अगर आता है, ऐसे केसेस में गाड़ी का कोई नुकसान हो जाता है, कोई पेड़ उसके ऊपर गिर जाता है आंधी तूफान में, तो भी कवर है। ओके, तो क्या है, कितना टाइप का है इंश्योरेंस? तो तीन टाइप का इंश्योरेंस होता है। कंप्रेहेंसिव मोटर व्हीकल इंश्योरेंस, कंप्रेहेंसिव मोटर व्हीकल इंश्योरेंस मतलब इसमें मेरा गाड़ी कवर है, मेरी गाड़ी का कीमत जो आज जिसके रेट में उसका वैल्यू रहेगा उसके हिसाब से मेरा गाड़ी कवर है। इसको कहा जाता है ओन डैमेज, ओन डैमेज, मेरा खुद का जो गाड़ी का, कार का, मेरा प्रॉपर्टी का डैमेज हुआ वो ओन डैमेज। और प्लस थर्ड पार्टी डैमेज, थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस मतलब किसी की प्रॉपर्टी को डैमेज किया है मैंने, किसी की गाड़ी को ठोक दिया मैंने, किसी का एक्सीडेंट में किसी को इंजरी हो गया, तो वो भी कवर है उसमें। ओके, देन दूसरा टाइप होता है स्टैंड अलोन ओडी कवर। दूसरा टाइप आया है, याद भी आया 4-5 साल से, स्टैंड अलोन ओडी कवर। स्टैंड अलोन मतलब ओडी मतलब ओन डैमेज कवर। अभी क्या होता है, जब आप कंपनी से गाड़ी खरीदते हो ना, तो आपने अगर टू व्हीलर खरीदा ना पिछले 1-2 साल में, तो आपको ऐसा बताया गया है कि आपको 3 साल का इंश्योरेंस दिया गया। कि कोई है जिसके पास 3 साल का इंश्योरेंस दिया है पिछले 1-1.5 साल पहले गाड़ी खरीदा और? जरूर लिया होगा आप, ध्यान से देखो। अगर आपने पिछले 1-1.5 साल में गाड़ी खरीदा है तो आपको 3 साल पहले इंश्योरेंस मिला होगा। वो 3 साल के इंश्योरेंस में पहला साल फर्स्ट ईयर दोनों कवर है, मेरा खुद का गाड़ी भी कवर है और थर्ड पार्टी भी कवर है। आगे का जो 2 साल है, आगे का जो 2 साल है उसमें आपका खुद का गाड़ी का वैल्यू जीरो, वो थर्ड पार्टी के लिए है। तो वो लोग कैसे पॉलिसी आपको दे रहे हैं 3 साल का बोल के, 3 साल का थर्ड पार्टी पॉलिसी दे रहे हैं और फर्स्ट पार्टी मतलब आपकी गाड़ी का वैल्यू का सिर्फ 1 साल का ही दे रहे हैं। तो जैसे 1 साल खत्म होता है आपको आपकी गाड़ी के लिए स्पेशल पॉलिसी निकालना होगा, आपकी गाड़ी के लिए ओन डैमेज पॉलिसी निकालना होगा, और उस वक्त आपका प्रीमियम आपकी गाड़ी का वैल्यू पे डिपेंड होता है, उसको कहते हैं स्टैंड अलोन ओडी कवर। ये आप कंपनी बदल सकते हो, पहले आपने किसी कंपनी दिया था आप उसको चेंज कर सकते हो, नो इश्यू। तीसरा टाइप है थर्ड पार्टी, इसमें गाड़ी का वैल्यू जीरो, गाड़ी की कोई कीमत नहीं है, ये अदर रोड यूजर्स के लिए है, अदर पीपल्स के लिए, रस्ते पे चलने लोगों की प्रॉपर्टी है उनके लिए है, लेकिन ये मैंडेटरी है, ये आपका होना ही चाहिए। तो इसलिए जब हम लोग कंपनी लेते हैं ना तो उसमें कवर होता है, और जिसका ये रहेगा उसको ही ओडी मिलता है, क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी है ना ये मैंडेटरी है, इसके बिना आप गाड़ी रोड पे नहीं चला सकते। तो क्या है फिर अभी कवर, क्या क्या कवर है इसमें? सर एक बात है, अभी मेरे गाड़ी में जैसे बताया आपने फर्स्ट ईयर कॉम्प्रिहेंसिव और प्लस टू जो है वो थर्ड पार्टी है, जो तो फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद मुझे जो कॉम्प्रिहेंसिव है वो मैं कंपनी भी चेंज कर सकता हूँ, और वो मैंडेटरी है क्या फिर से लेना कि मैं थर्ड पार्टी पे कंटिन्यू कर सकता हूँ? देखो इसमें 2 पार्ट है, अगर आपकी गाड़ी फाइनेंस पे लिया है आपने तो आपको लेना ही पड़ेगा ओडी कवर, मतलब कौन सा वाला बोल रहा हूँ मैं, ये वाला स्टैंड अलोन ओडी कवर, ये आपको लेना ही पड़ेगा अगर आपका गाड़ी फाइनेंस पे है तो, ये आपकी जिम्मेदारी। अगर नया गाड़ी है और गाड़ी को कुछ होता है, गाड़ी कहीं ठोका जाता है, कोई डैमेजेस होता है, तो आपको गाड़ी का वैल्यू जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि आपके पास तो पॉलिसी है ही नहीं उस गाड़ी का, इसलिए आप लो उसका। मैं तो कहता हूँ कि अगर आपकी गाड़ी 8 साल के अंदर है, 10 साल के अंदर है, तो आपको लेना ही है फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस, ले लीजिए आप। अच्छा अच्छा, और ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है उसमें पेडेस्ट्रियन भी कवर रहते हैं चलने वाले? यस 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 यस, कवर कवर। ओके थैंक यू। अभी क्या क्या कवर है इसमें देखो इंश्योरेंस में, लॉस और डैमेज ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर, जैसे मैंने बोला ना कि कोई अर्थक्वेक हो गया है, फ्लड आ गया,
अभी देखो गए साल दो तीन साल पहले ना बहुत सारा पानी भर गया था, बारिश काफी हुई थी तो बहुत सी गाड़ियां पानी के अंदर डूब गई, तो फिर वो कवर है क्या उसमें? ये आपका इंश्योरेंस कवर वाले को पूछने का पैसा हाँ देता है वो लोग, कवर है बहुत सारी गाड़ियाँ इंश्योरेंस में कवर होती है, नेचुरल डिजास्टर हमने खुद तो नहीं किया। एनी डैमेज टू योर व्हीकल ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर सच एज अर्थक्वेक, फ्लड, साइक्लोन, स्टॉर्म, रॉक स्लाइड, लैंड स्लाइड, तो जो भी नेचुरल डिजास्टर आता है उसमें आएगा। पर्सनल एक्सीडेंट कवर, पर्सनल एक्सीडेंट कवर मतलब अगर कोई आदमी गाड़ी चला रहा है और उसका गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, उसमें उसको कुछ हो गया, तो उसको जो चलाने वाला है ड्राइवर उसको भी एक सम अमाउंट मिलेगा इंश्योरेंस में, अंदर का पैसेंजर को भी मिलेगा। अभी कितना मिलेगा मैं आधी घंटे आपको बता दूँ, इसमें है देखो। और पर्सनल एक्सीडेंट कवर 15 लाख, 15 लाख रुपए तक मिलेगा इंश्योरेंस जो गाड़ी चला रहा है उसको, और हर पैसेंजर को 2 लाख रुपए पर पैसेंजर। ओके, लॉस ऑफ डैमेज अगेन मैन मेड डिजास्टर, हमारी गलती से जैसे कोई डिजास्टर हो जाता है तो उसके ऐसे मिलेगा, जैसे एक्सीडेंट हुआ ना गाड़ी चला तो आप मेरा गाड़ी का कंट्रोल गया, मैं आपकी गाड़ी को ठोक दिया। अभी थोड़ी दिन पहले देखो वो पुणे एक्सप्रेस हाईवे पे एक्सीडेंट हुआ था, 10-15 गाड़ी एक दूसरे को ठोक गया है, मैन मेड, तो इसमें हो सकता है। लॉसेज और डैमेज ऑफ योर इंश्योर्ड व्हीकल कॉजेज ड्यू टू मैन मेड डिजास्टर, मतलब क्या आएगा? थेफ्ट, चोरी, गाड़ी हो गया मिलेगा आपको, आग लग गया गाड़ी में मिलेगा आपको, रायट में गाड़ी आपका तोड़फोड़ हुआ है, स्ट्राइक में हुआ है, रोड एक्सीडेंट में हुआ है, टेररिस्ट एक्टिविटीज में हुआ है, कोई भी ट्रांजिस्ट में हुआ है, गाड़ी आपको आप किसी ट्रक में डाल के लेके जा रहे हो दूसरी जगह पे, ट्रांजिस्ट भी हुआ है तो मिलेगा, रेल से या इनलैंड वाटरवे से। ओके, एलिवेटर में हुआ है डैमेजेस, एलिवेटर में मतलब कई जगह पार्किंग होती है जिसमें गाड़ी एलिवेटर में डाल के ऊपर पार्किंग में लेके जाते हैं, तो वहाँ पे अगर कोई डैमेजेस हो गया एलिवेटर में जाते हैं तो एलिवेटर पे कुछ खराबी आ गई उस वजह से आपको डैमेजेस, वो भी लेगा आपको। ओके, और क्या रहता है इंश्योरेंस में? थर्ड पार्टी लाइबिलिटी। तो थर्ड पार्टी में क्या होता है? वी प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट लीगल लाइबिलिटीज अराइजिंग ड्यू टू एक्सीडेंटल एक्सीडेंट, देखो ध्यान से, इन्वॉल्विंग योर व्हीकल, अगर आपका व्हीकल से किसी को इंजुरी होता है रिजल्टिंग इन बॉडी इंजुरी, सामने वाले का इंजुरी हो गया, डेथ हो गया किसी का, या प्रॉपर्टी डैमेज हो गया तो मिलेगा, लेकिन ये नहीं मिलेगा, उसके लिए कोर्ट में केस चलेगा, गलती किसका था, फिर आपको कितना देना पड़ेगा, ओनर कितना उसके लिए मिलेगा, इंश्योरेंस कंपनी कितना देगी, ये सब चलेगा। ओके, इसका आसान नहीं है देने, आपको पता है ना इंश्योरेंस कंपनी लेटर लिख के देगी, लेकिन जब लेने की बात आएगी ना हमारी तो कुछ नहीं देगी, लेकिन होना चाहिए आपके पास। टाइप्स ऑफ व्हीकल इंश्योरेंस कवर्ड इन इंडिया, मैंने जैसे आपको बोला कंप्रेहेंसिव मोटर व्हीकल इंश्योरेंस, अ कंप्रेहेंसिव व्हीकल इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड कवरेज अगेंस्ट थर्ड पार्टी लीगल लायबिलिटीज, कंप्रेहेंसिव में क्या क्या होगा? थर्ड पार्टी भी होगा एज वेल एज लॉसेस और डैमेज टू इंश्योर्ड व्हीकल, आपका गाड़ी भी होगा, कोई भी एक्सीडेंट वगैरह किसी का भी, तो ये होता है कंप्रेहेंसिव जिसमें दोनों ऐड है। कौन सी गाड़ी को किसने लेना चाहिए इंश्योरेंस? रिकमेंडेड फॉर व्हीकल ओनर हु वॉन्ट ऑल राउंडर प्रोटेक्शन ऑफ देयर व्हीकल, जिन लोगों को अपनी गाड़ी का पूरा प्रोटेक्शन चाहिए वो लोगों ने ले लिया। ओके, इसमें भी फर्स्ट पार्टी में भी, अभी मैंने इसमें शायद नहीं डाला स्लाइड, में डालूंगा नेक्स्ट वीक, एक होता है जीरो डेप्थ जीरो डिप्रिसिएशन पॉलिसी। ये जीरो डेप्थ पॉलिसी क्या होता है? इसमें आपको थोड़ा एडिशनल प्रीमियम पे करना पड़ता है, 5% वगैरह एडिशनल प्रीमियम पे करना पड़ेगा, लेकिन इससे क्या होगा फायदा कि आपका प्लास्टिक पार्ट भी कवर हो जाता है पूरा, नहीं तो बाकी चेसिस में क्या होता है प्लास्टिक का पार्ट का 50% मिलेगा आपको, इलेक्ट्रिकल सिस्टम का आपको 50% मिलेगा, पेंट का आपको 50% देना पड़ेगा। तो आप अगर जीरो डेप्थ लोगे ना तो आपको सबका 100% मिल जाता है, तो जीरो डेप्थ पॉलिसी बेटर रहता है। तो पहले 5 साल के अंदर जीरो डेप्थ पॉलिसी निकालो, जीरो डिप्रेशन पॉलिसी निकालो। इसमें भी ऐसा है कुछ कंपनी कुछ ब्रांड के लिए नहीं देती जीरो डिप्रेशन, कुछ ब्रांड के लिए देती, तो फिर आप एक सर्टेन एक्स कंपनी में जाओगे तो वो शायद आपको जीरो डेप्थ नहीं दे रहा, लेकिन वही गाड़ी के लिए दूसरा वाई कंपनी देगा आपको। तो ये हर अपनी कंपनी का पॉलिसी के हिसाब से, कुछ कंपनी कुछ मॉडल को डिक्लाइन कर, जैसे कि इंडिका, इंडिका जो मॉडल था बहुत पुराना हो गया, अभी बनना भी बंद हो गया, तो वो डिक्लाइन मॉडल है, उसको इंश्योरेंस फर्स्ट पार्टी मिलेगा नहीं इंडिका को। देन समझो कोई ओपन एक्स्ट्रा या शेवरलेट की कुछ व्हीकल्स है, शेवरलेट कंपनी बंद हो गए, फोर्ड का कुछ गाड़ियां है जिनको गवर्नमेंट सॉरी जिनको मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गया इंडिया में, तो वो कुछ मॉडल डिक्लाइन कर दिए गए, कुछ मॉडल उसमें से डिक्लाइन है, तो
तो वैसे आपकी गाड़ी कौन से है उससे भी डिपेंड है। ओके, तीसरा कौन सा मैंने बोला आपको, कंप्रेसिव इंश्योरेंस के बाद में स्टैंड अलोन ओडी कवर। ये क्या है, मैंने आपको बोला ना IRDA ने इंट्रोड्यूस बाय द IRDA अभी अभी इंट्रोड्यूस किया था 4-5 साल पहले। तो स्टैंड अलोन ओन डैमेज कवर पॉलिसीज अलाउ द व्हीकल ओनर टू गेट कवरेज अगेंस्ट द लॉसेस और डैमेजेस। उनकी गाड़ी को जो भी लॉस डैमेज होने वाला है वो कवर करने के लिए, जैसे अभी आपने मेरे को सवाल पूछा ना मेरी गाड़ी में तो अभी थर्ड पार्टी में लू क्या, यस अपने लेना चाहिए स्टैंड अलोन पॉलिसी, क्योंकि आपकी गाड़ी का लॉसेज और डैमेजेस को कवर करेगा। ओके, किसी लेना चाहिए पॉलिसी, व्हीकल ओनर हु वांट ऑलराउंडर प्रोटेक्शन। अभी आपके थर्ड पार्टी का ऑलरेडी है, आपको अपनी गाड़ी का भी चाहिए, फिर आपको थर्ड पार्टी के साथ ये भी लेना जरूरी है। ओके, कौन सा स्टैंड अलोन। इसके बाद तीसरा टाइप जो बने वाला थर्ड पार्टी, ये क्या है, तो थर्ड पार्टी मोटर व्हीकल इंश्योरेंस ये मैंडेटरी आपको लेना ही पड़ेगा एज पर द लॉ, इसके बिना हम गाड़ी रस्ते में चला ही नहीं सकते। तो जब हम लोग वो पॉलिसी लेते हैं ना कंप्रेसिव, उसमें एक इंक्लूड होता है, अगर आपकी गाड़ी ज्यादा पुरानी आप सिर्फ थर्ड पार्टी भी ले सकते हो। थर्ड पार्टी का प्रीमियम गाड़ी का सीसी, गाड़ी का इंजन कैपेसिटी पे डिपेंड है। जैसे आपका मोटरसाइकिल है जो 100 cc के अंदर है, 150 cc के अंदर है आपका गाड़ी, तो उसका प्रीमियम आएगा 184 rupees। फिर कोई भी गाड़ी हो, फिर होंडा का गाड़ी हो, बजाज का गाड़ी हो, लेकिन अगर उसका सीसी 150 के अंदर है तो 884 rupees उसका प्रीमियम। ओके, अगर आप उसे पीए कवर जोड़ दोगे, मतलब ड्राइवर का भी उसमें इंश्योरेंस जोड़ोगे 15 lakh का, तो वो आपका प्रीमियम हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा 1080 rupees। ओके, तो 150 cc के ऊपर की अगर गाड़ी है तो उसके लिए अलग सा प्रीमियम, उसके लिए 1200 rupees प्रीमियम है, 1300 rupees प्रीमियम है। अगर आपका गाड़ी का सीसी 200 cc के ऊपर चला गया, 800, 1000, जैसे जैसे सीसी बढ़ेगा गाड़ी का, सीसी मतलब इंजन कैपेसिटी बढ़ेगा, तो ऐसे ऐसे आपका प्रीमियम बढ़ता जाता है। ओके, और ये फिक्स है, सब कंपनी के लिए फिक्स है, इतना ही रहेगा सब में। और सर एक सवाल पूछना था। हाँ जी सर बोलिए। सर ये एक कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस बताया आपने और एक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बताया, बराबर? कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस का वैलिडिटी 1 year और थर्ड पार्टी का 3 year, ऐसा क्यों रहता है? नहीं 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 सर, ऐसे नहीं है, दोनों का 1 year ही है। हम लोग ने जब भी गाड़ी खरीदा ना उधर पे, तो उसमें उन्होंने आपके पास से 3 साल का प्रीमियम लिया हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, क्योंकि मैंने अभी न्यू कार खरीदा है तो वो लोग ने उसका एक्सपायरी मेरे को 2026 दिखा रहे हैं। तो गलत है ना सर, वो 2026 थर्ड पार्टी के लिए है। आपकी गाड़ी तो 21 साल है, वो थर्ड पार्टी के 2026। क्या किया गवर्नमेंट ने, क्या किया उन्होंने बोला कि बाबा ये लोग है ना बाकी इंश्योरेंस निकालते नहीं, लोग कुछ लोग इंश्योरेंस नहीं निकालते, तो एटलीस्ट 3 साल का इनको मैंडेटरी दे दो गाड़ी लेते हो, इसके 3 साल का मैंडेटरी आपको थर्ड पार्टी दे रहा है, चलो दूसरों के लिए होगा, आप मत लो आपकी गाड़ी की कीमत जाने दो उनके लिए, लेकिन दूसरों का सेफ्टी के लिए उन्होंने आपको 3 साल का कंपल्सरी दे दिया। तो ये 3 साल का प्रीमियम आपको ऑलरेडी ले चुके हैं वो लोग थर्ड पार्टी का, इसलिए हम लोग स्टैंड अलोन, अभी आप पॉलिसी निकालने जाओगे ना स्टैंड अलोन, तो उसमें सिर्फ आपका ओडी प्रीमियम के ऊपर ही कैलकुलेट होगा, वो थर्ड पार्टी अंदर इंक्लूड नहीं होगा, वो ऑलरेडी है आपका। वही मैं वो समझे नहीं, एक मेरा इंश्योरेंस दिख रहा है कि 2024 में एक्सपायर हो रहा है और एक थर्ड पार्टी दिख रहा है 2026 में एक्सपायर हो रहा है। तो वो थर्ड पार्टी और अपना फर्स्ट पार्टी गाड़ी का वैल्यू वाला ही अभी जो आप बता रहे हो, तो आप क्या करो आपका इंश्योरेंस खत्म होने के 1 महीना पहले अप्लाई करो। अच्छा अच्छा, तो आपको गाड़ी का इंस्पेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगा, अगर हम लोग ने इंश्योरेंस खत्म होने के 1 महीना पहले अप्लाई किया तो हम लोग को कंटिन्यू मिल जाता है, लेकिन अगर हम लोगों ने खत्म होने के बाद इंजन के बाद भी अप्लाई करोगे तो आपकी गाड़ी का इंस्पेक्शन होगा, उसके बाद ही आपको इंश्योरेंस नया वो लोग देंगे, इंस्पेक्शन मैंडेटरी हो जाता है। और आपने 3 महीने के अंदर किया खत्म होने के, तो आपको डिस्काउंट मिलेगा 20%, जो भी आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस वैल्यू अभी होगा ना उसका 20% आपको नो क्लेम बोनस मिलेगा, क्योंकि आपने कोई क्लेम नहीं किया अभी तक 1 साल में, अगर आपने कोई क्लेम किया तो डिस्काउंट नहीं मिलता है, लेकिन वो नहीं किया तो मिल जाता है, वो भी क्या इंश्योरेंस खत्म होने के 3 महीने के अंदर आपने क्लेम किया, अपना इंश्योरेंस पॉलिसी रिन्यू किया तो 3 महीने का वो भी मिलता है। ओके, अगर आप लोगों को किसी को इंश्योरेंस निकाल, अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए इंश्योरेंस निकालना है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके सर, ठीक हो। रिकमेंडेड फॉर किस लिए होना चाहिए, एज दिस डजंट कवर द व्हीकल इटसेल्फ, जैसे मैंने बोला ना गाड़ी का वैल्यू 0 है थर्ड पार्टी में, ऑनली थर्ड पार्टी कवर, इसमें सिर्फ थर्ड पार्टी कवर है, नॉट रिकमेंडेड फॉर द एनी व्हीकल, गाड़ी के लिए तो कुछ भी नहीं है ना, गाड़ी के लिए तो 0 है ये। ओके, अगर आप किसने लेना चाहिए इंश्योरेंस बता रहे, इवन इफ यू हार्डली टेक योर व्हीकल आउट ऑफ द रोड, आपने पार्किंग में से आपसे निकाला बिल्डिंग में से रोड पर लेके गए और आपका ये थर्ड पार्टी नहीं है ना,
थर्ड पार्टी नहीं है आपका, सिर्फ पार्किंग के लिए भी लेके गया, आप चोरी हो गया, कुछ हो गया ना, तो भी आपको इंश्योरेंस तो मिलने वाला नहीं, क्योंकि ये तो जीरो है। लेकिन अगर वहाँ पे किसी का कोई डैमेज हो गया, पुलिस वाले ने आपको वहाँ पे रोका, उसके बाद आपको फाइन लगेगा। यस सर बोलिए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या हो रहा है बीच में, आवाज क्यों बोल रहा है? बाकी लोगों को आ रही है आवाज? आ रहा, आ रहा बस। यस सर आ रहा है। अच्छा अच्छा देखो नेक्स्ट, क्या कवर नहीं है, क्या कवर नहीं है? डैमेज ड्यू टू वेयर एंड टियर, एजिंग ऑफ द व्हीकल। एक एग्जांपल दिखा बताता हूँ। घंसोली में हमारा गैरेज, मेरा पुत्र गैरेज भी घंसोली में है, मेरा कुल घंसोली में है। हाँ जी सर बोलिए। हेलो, देखो क्या क्या है, सबको आवाज आ रही है? गैरेज में yes. बाकी लोगों का आवाज आ रहा है, बाकी लोगों का आवाज आ रहा है हमको? हाँ, हाँ, yes, हाँ आपको नेटवर्क चेक करना प्लीज। एक कस्टमर का गाड़ी अभी लिया हुआ है, कम से कम 4-5 महीने हुआ होगा लेके, मतलब ये गाड़ी उन्होंने लिया था फरवरी के आसपास, कुछ जनवरी फरवरी में कुछ लिया हुआ गाड़ी है। उनकी गाड़ी का वाटर लेवल कम हो गया, इंजन का वाटर लेवल कम हो गया, जो इंजन को कूल करता है। आने वाली क्लासेस में आपको दिखाएंगे हम लोग कहाँ पे चेक करते वाटर, उन्होंने ध्यान नहीं दिया उस चीज, सुबह ड्राइव करते इंजन जाम हो गया, इंजन गर्म होके फीज हो गया। ऐसी केसेस में आपको इंश्योरेंस मिलता नहीं, क्योंकि ये आपका गलती है, क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया वाटर लीकेज का। तो उन्होंने जब इंश्योर में गाड़ी लेके गया तो उन्होंने बोला नहीं होगा, क्योंकि ये तो आपका गलती है। तो आपका गाड़ी में अगर कोई इस तरह से कोई डैमेज होता है जो आपकी निगलिजेंस की वजह से हो रहा है, या फिर कोई वेयर एंड टियर है गाड़ी में, आपने ऑयल प्रॉपर चेक नहीं किया और इंजन घिस गया है, या प्रॉपर ऑयल नहीं डाला आपने गाड़ी में, जो रिकमेंडेड ऑयल है वो ग्रेड का ऑयल नहीं डाला आपने और वेयर एंड टियर हो गया, तो आपको उसके लिए इंश्योरेंस मिलेगा नहीं। लॉस ड्यू टू डिप्रिसिएशन ऑफ द व्हीकल डैमेज और लॉस वाइल ड्राइविंग राइडिंग विदाउट वैलिड लाइसेंस। आपकी गाड़ी आप चला रहे हो या कोई भी चला रहा है, उसके पास अगर वैलिड लाइसेंस नहीं है तो आपको इंश्योरेंस मिलेगा नहीं। ऐसे केसेस में इंश्योरेंस नहीं मिलता है अगर चलाने वाले के पास वैलिड लाइसेंस नहीं है तो। इसलिए आपकी गाड़ी किसी को भी देने से पहले ये पूछा करो कि उसके पास लाइसेंस है क्या, और आप खुद अपनी आंखों से देखो लाइसेंस उसके पास है क्या। ओके देन अगर गाड़ी का वैल्यू जो होता है वो आज के डेट में 10 लाख है, तो अगले साल उसका वैल्यू 10% कम हो जाता है, वो हो जाता है 9 लाख। उसके अगले साल उसका वैल्यू और 10% कम हो जाता है, 90,000 कम हो जाएगा, 8,10,000। उसके बाद उसका वैल्यू और 10,000 कम हो जाता है, 81,000 कम हो जाएगा। तो जो भी वैल्यू बचा है उसका हर साल 10% गाड़ी का वैल्यू डिप्रेसिएशन होता रहता है, वो वैल्यू उसमें इंक्लूड नहीं होता। डैमेज और लॉस वाइल ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिकर और ड्रग्स। अगर कोई दारू पी के गाड़ी चला रहा है, ड्रग्स लेके गाड़ी चला रहा है, कोई भी ऐसे काम कर रहा है जिसके उसका गाड़ी का कंट्रोल नहीं रह सकता है, ऐसे केसेस में एक्सीडेंट हुआ तो उसको इंश्योरेंस मिलता नहीं है। डैमेज कॉज व्हेन द व्हीकल इज बीइंग यूज्ड फॉर द पर्पस इट्स नॉट मेन फॉर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ब्रेक डाउन लॉस डैमेज ड्यू टू वॉर। मतलब ये क्या कह रहा है ये कि अगर आपका गाड़ी समझो कोई रेस के लिए इस्तेमाल किया, ब्रेक टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल कर रहा है, या कार में आप उसके अंदर बहुत सारा सामान भर के लेके जा रहे हो एज अ लगेज उसको यूज कर रहे हो, ओके, और उसकी वजह से ब्रेक डाउन हो रहा है गाड़ी का, तो नहीं मिलेगा। जैसे कि ट्रक में ओवरलोड माल लेके जाते हैं और फिर उसमें कोई एक्सीडेंट होता है तो उसको लोगों को नहीं मिलता है। वॉर में वगैरह कुछ डैमेजेस होता है उसके लिए इंश्योरेंस नहीं देता है, इंश्योरेंस नहीं देता है, ओके। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वगैरह उसके वजह से नहीं मिलता है। अभी ये देखो ये कुछ इंश्योरेंस कार्ड मेरे यहाँ पे लिखा है, आपके यहाँ इंश्योरेंस का ऐसे लिखा है क्या? देखो कॉम्प्रेहेंसिव पॉलिसी लिखा होगा तो नीचे देखो, और नीचे का लाइन देखो, इंश्योर डिक्लेयर्ड वैल्यू लिखा है, देखो IDV इंश्योर डिक्लेयर्ड वैल्यू, इधर गाड़ी का कीमत लिखा हुआ है, तो ये आपकी गाड़ी का आज की कीमत है और इसके ऊपर आपका प्रीमियम कैलकुलेट होगा, ओके। अगर ये इंश्योर डिक्लेयर्ड वैल्यू जीरो लिखा हुआ है तो वो थर्ड पार्टी पॉलिसी है, फिर आपकी गाड़ी का कीमत जीरो है, ओके। ये कॉम्प्रेहेंसिव पॉलिसी है, ये जो पॉलिसी है ये लाइबिलिटी पॉलिसी, लाइबिलिटी मतलब थर्ड पार्टी पॉलिसी, ओके। ऐसा थर्ड पार्टी में थर्ड पार्टी ने वर्ड नहीं लिखा होगा, ऐसा लिखा होगा लाइबिलिटी पॉलिसी, मोटर कार लाइबिलिटी पॉलिसी, टू व्हीलर लाइबिलिटी पॉलिसी, ऐसा लिखा होता है। देन यहां पर देखिए,
यहाँ पे देखता गाड़ी का वैल्यू देखो जीरो वैल्यू ऑफ केसेस जीरो गाड़ी का वैल्यू जीरो तो ये थर्ड पार्टी में ऐसा लिखा होगा आई डी भी इंश्योर डिक्लेयर वैल्यू जीरो मतलब ये थर्ड पार्टी पॉलिसी गाड़ी की कीमत आपकी शून्य है ओके और लास्ट डॉक्यूमेंट है आपका गाड़ी का वो है पीयूसी हर छह महीने में आपको गाड़ी का पीयूसी निकालना ही है ऑनलाइन निकालो गाड़ी का पीयूसी आपको मिल जाएगा ऐसे जिसमें भी वैलिडिटी अभी देखो ये खत्म हो गया है 17/12/2022 को खत्म हो गया है नीचे गाड़ी का यहाँ पर फोटो आता है निकाला हुआ कार्बन मोनोऑक्साइड कितना है हाइड्रोकार्बन कितना है पीपीएम मैट्रिक्स कितना है ये सब डिटेल लिख के आता है तो ये पीयूसी गाड़ी का कंपल्सरी आपका फोन नया गाड़ी रहेगा न्यू ब्रांड व्हीकल शोरूम से खरीदा हुआ पहले छह महीने तक जरूरत नहीं है लेकिन छह महीने के बाद पीयूसी निकालना शुरू करो हर छह महीने में उसको रिव्यू करो ओके क्लियर ओके सर लोग खड़े रहते ना पीयूसी सेंटर वहाँ पे अपनी गाड़ी लेके जाओ वो लोग आपका साइलेंसर में प्रोब डालेंगे सेंसर प्रोब और वो लोग गिनेंगे आपकी गाड़ी से कितना धुआं आ रहा है और वो हिसाब से उस मशीन में से वो प्रिंटर निकाल के आपको देंगे तो वो ऑटोमेटिकली वेबसाइट पे अपडेट हो जाता है लेकिन आपको उसके लिए पीयूसी सेंटर पे जाकर चेक करवाना होगा सर उसके लिए डॉक्यूमेंट्स वैलिड होने थे ना पीयूसी बनाने जाएंगे तभी कुछ नहीं लगता है ठीक है देखो नेक्स्ट लास्ट डॉक्यूमेंट है ड्राइविंग लाइसेंस ये इंडिविजुअल होता है ड्राइविंग लाइसेंस तो ये ऊपर जो मैं एरो दिखाया ये ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर है ये मेरा ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर है तो इसे MH04 मतलब थाना का लाइसेंस 2008 में मैंने निकाला था और ये मेरा नंबर है लाइसेंस का ओके तो इसमें मैंने दो कैटेगरी एमटी मतलब नॉन ट्रांसपोर्ट प्राइवेट व्हीकल्स ईआर मतलब ट्रांसपोर्ट व्हीकल तो मेरे पास कौन कौन से लाइसेंस है मेरे पास बस का लाइसेंस है मेरे पास टूरिस्ट का लाइसेंस है मेरे पास रिक्शा का लाइसेंस है मेरे पास मोटरसाइकिल का लाइसेंस है मेरे पास ट्रेन का लाइसेंस है मेरे पास फोर्कलिफ्ट का लाइसेंस है लेकिन वो यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ क्यों नहीं प्रिंट हुआ क्योंकि यहाँ पे इतना ही कैटेगरी प्रिंट हो सकता है टोटल मेरे पास 13 लाइसेंस है 13 कैटेगरी का लाइसेंस है मेरे पास जिसमें फोर्कलिफ्ट आता है ट्रैक्टर है उसमें ट्रेलर है उसमें फिर क्रेन है सबके लाइसेंस है मेरे पास तो इसमें सिर्फ 1, 2, 3, 4 ही उसमें कैटेगरी आ रहा है बाकी का कैटेगरी में ऑनलाइन देखूंगा तो मिलेगा ओके नीचे मेरा एड्रेस जन्म तारीख ऐसा सब होता है इसमें आपका आपको क्या देखना है ऊपर देखो जो एरो के नीचे देखो वैलिडिटी लिखा है उधर आपका वैलिडिटी लिखा हुआ है नॉन ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्ट का आमने सामने है तो वहां पर आप देख सकते हो आपका लाइसेंस कब कब खत्म हो रहा है लाइसेंस खत्म होने के एक महीना पहले अप्लाई करो रिन्यूअल के लिए लाइसेंस खत्म होने के बाद गाड़ी नहीं चला सकते लेकिन एक महीने के अंदर रिन्यू कर सकते हो कोई फाइन नहीं लगेगा अगर आपने फिर भी रिन्यू नहीं किया और एक साल के अंदर किया तो ठीक है तो भी आपका लाइसेंस रिन्यू हो जाएगा एक साल के अंदर फाइन भर के लेकिन अगर आपका लाइसेंस खत्म होके एक साल से ज्यादा हो गया तो आपको रिवैलिड करना होगा फिर आपको गाड़ी को चला के दिखाना होगा इंश्योरेंस निकालना पड़ेगा आपकी गाड़ी का सॉरी आपका इंश्योरेंस बोला मैं आपको लर्निंग लाइसेंस निकालना पड़ेगा लर्निंग लाइसेंस निकालो फिर उसके बाद वापस टेस्ट दो इसको रिवैलिडेशन कहते हैं बोलिए कोई और डाउट किसी का माइक चालू प्लीज बंद कर सकते हो क्या हाँ बोलिए अभी कोई डाउट हो तो पूछो तो आगे बढ़े सर मुझे इंश्योरेंस वाले पार्ट में डाउट था हाँ सर लाइक सेकेंड हैंड कार ली है तो पहले हाँ? तो इंश्योरेंस जो फर्स्ट ओनर है उसके ही नाम पे होगा तो ये ट्रांसफर हो जाता हाँ? है सेकेंड या थर्ड ओनर के नाम पे होता है अभी कितने महीने बाकी है देखा उससे पहले ये देखो अगर 2-4 महीने बाकी है तो छोड़ दो लेकिन अगर ज्यादा महीने बाकी है 4 महीने से ज्यादा बाकी है तो आप ट्रांसफर कर सकते हो ₹50 उसका ट्रांसफर का फीस है एज रूल और वो जो ओनर था उसको जो भी डिस्काउंट मिला था नो क्लेम डिस्काउंट वो आपको पे करना पड़ेगा उतना अमाउंट आप पे करोगे तो ये इंश्योरेंस आपके नाम पे ट्रांसफर हो जाता है और सर पहले आपका आपकी बुक इंश्योरेंस तो नया निकाल लो आपके नाम से और कुछ मतलब लिमिट होती है क्या इयर्स की समझो 20 इयर्स ऑलरेडी हो चुके हैं उसको यूज करके वो कार और तब तुम ले रहे हो तो ऐसा कुछ है तो थर्ड पार्टी निकालना पड़ेगा फर्स्ट पार्टी मिलेगा ही नहीं अच्छा
और उसके लिए आपको जाने की जरूरत भी नहीं है, आपकी पासबुक भी मेरे को व्हाट्सएप भेजोगे तो मैं इधर से निकाल के भेज दूंगा आपको इंश्योरेंस। उसके लिए ना गाड़ी की जरूरत है ना आरसी इसका जरूरत है, आपका जरूरत है। सर मुझे एक डाउट था, ये थर्ड पार्टी जो इंश्योरेंस सेकंड और थर्ड ईयर में होता है, तो अगर मैं फर्स्ट पार्टी का समझो कंपनी चेंज करता हूँ, फर्स्ट पार्टी का आई मीन कॉम्प्रिहेंसिव कंप्लीट हो गया तो सेकंड के बाद मैं चेंज करता हूँ समझो कंपनी, तो थर्ड पार्टी के जो दो प्रीमियम उन्होंने लिए है तो वो थर्ड पार्टी भी चेंज होता है क्या, और वो प्रीमियम वो उसी कंपनी के नाम पे रहेगा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। समझो एक एग्जांपल बता दो, मैं किसी से ऐड नहीं कर रहा हूँ, समझो आपने एसबीआई का इंश्योरेंस लिया था पहले, जो दोनों था आपके पास फर्स्ट पार्टी थर्ड पार्टी दोनों था, उसमें थर्ड पार्टी इसका 3 साल का था, अभी मेरा खत्म हो गया ना, तो मैं अभी दूसरा कोई कंपनी का ले सकता हूँ, मैं अभी न्यू इंडिया इंश्योरेंस का भी ले सकता हूँ, नो इश्यू ले सकता हूँ कंपनी चेंज कर सकता हूँ, तो दोनों लेकिन आपको दोनों डॉक्यूमेंट साथ में रखने होंगे गाड़ी के साथ। लेकिन थर्ड पार्टी चेंज नहीं होगा ना 2 साल तक, अगले 2 साल नहीं होगा, आपने तो भर दिया ना उसको पेमेंट तो दे दिया, नहीं होगा। हाँ 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 सर दोनों डॉक्यूमेंट होते हैं क्या जरूरत थर्ड पार्टी का? नहीं आपका गाड़ी का भी है ना, ये रखा है इंश्योरेंस का, अगर आपको इंश्योरेंस क्लेम करने को जाना पड़े तो आपको लगेगा डॉक्यूमेंट संभालना पड़ेगा, आपको इंश्योरेंस क्लेम में आपको डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा। सर सचिन बोल रहा हूँ सर, मेरे 2-3 क्वेश्चन हैं। सर मैंने अभी रिसेंटली अर्टिगा लिया मई महीने में, और मुझे कंपनी के नाम से है मेरे, आई एम वर्किंग विद द बैंक, तो मेरे बैंक में आरसी करके आया, तो वो एक कार्ड जैसा जो आपने फर्स्ट दिखाया था, तो मुझे ऐसा लग रहा था आरसी में कोई बुक होगा, तो ऐसा बुक वेक नहीं है ना अभी, मतलब वो कार्ड ही है करेक्ट? नहीं अभी स्मार्ट कार्ड है, स्मार्ट कार्ड जैसे आ रहा है करेक्ट सर। एंड सेकेंड सर अभी कैसे है, बैंक के नाम पे गाड़ी है तो बैंक ने अभी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ही निकाला है, तो गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं निकाला है, कि गाड़ी का इंश्योरेंस जो भी क्लेम होगा कंपनी पे करेगी, तो अगर कोई ट्रैफिक पुलिस पूछेगा तो वहाँ कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा? नहीं हम लोग का मैंडेटरी कौन सा थर्ड पार्टी, वो तो है आपके पास, कोई प्रॉब्लम? यस। एंड लास्ट क्वेश्चन सर, फॉर एग्जाम्पल हम चला रहे हैं गाड़ी और किसने ठोका, तो अब सामने वाला बोलेगा उसकी गलती है, मैं बोलूँगा उसकी गलती है, वो बोलेगा मेरी गलती है, तो वो टाइम पे हमें क्या क्या गोल्स लेने चाहिए, तो वो थोड़ा ज़रा समझाएंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। देखो हम लोग ऐसे टाइम में तो उसके साथ लड़ना जरूरी है, नहीं तो वो तो पूरा गलती अपने ऊपर थोप देता है, उसको बोलेगा भाई जो भी है चलो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करो, जो होगा देखा जाए। हाँ तू तेरा क्लेम कर, मैं मेरा क्लेम करता है, तेरे पास इंश्योरेंस है तू क्लेम कर, मेरे पास इंश्योरेंस मैं क्लेम करता है। सिंपल सी बात मैं तो यही करता हूँ भाई, मेरे साथ जब भी होता है। मुझे कुछ समझा नहीं कि मैंने मोबाइल पे फोटो भी नहीं लिया, कार का कुछ नहीं लिया, और मैं पुलिस स्टेशन भी गया तो एक हफ्ते बाद गया मैं, तो वहाँ पे भी पुलिस हाँ उसने बोला FIR के लिए, तो पुलिस ने बोला आपको जैसे एक्सीडेंट हो गया ना आपको 100 डायल करना है, एटलीस्ट आप रजिस्टर करो कि आपका एक्सीडेंट हो गया है FIR का, तो वो नहीं बना रहा था, उसके लिए मुझे उसको 2000 एक्स्ट्रा भी देना पड़ा। तो ये सोच रहा था कि ऐसे क्या क्या पॉइंट्स है जो हम कवर कर सकते हैं, ताकि मतलब हम जैसे न्यू जो ड्राइवर्स हैं उनको ये पॉइंट याद रखना पड़े, क्योंकि ये हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। हाँ बराबर है, जैसे देखो आपका एक्सीडेंट हो गया ना पुलिस स्टेशन में आपको रिपोर्ट करना जरूरी है, क्योंकि जब भी आपका वैसे प्राइवेट व्हीकल जो होता है प्राइवेट व्हीकल, इसको इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए जब तक किसी को इंजुरी नहीं होता है, मतलब कोई फिजिकल इंजरी किसी को नहीं, अंडर का पैसेंजर्स को या बाहर का लोगों को, तब तक FIR की जरूरत नहीं है प्राइवेट व्हीकल्स का, जो इंडिविजुअल नाम पे उसको। मेरा गाड़ी का अगर मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरा गाड़ी को कोई ठोक के भाग गया है और मुझको इसको इंश्योरेंस क्लेम कराना है, तो मुझे FIR का जरूरत नहीं, क्योंकि प्राइवेट व्हीकल है, मैं सीधा जाके शोरूम में खड़ी करूंगा, इंश्योरेंस कंपनी वाला आके उसको इंस्पेक्शन करेगा और इंश्योरेंस क्लेम फॉरवर्ड कर देगा। लेकिन अगर ये गाड़ी कंपनी के नाम पे है या फिर टूरिस्ट का व्हीकल है या फिर कमर्शियल यूज के लिए है, तो जरूरी है फिर FIR, वो किसमें FIR जरूरी। तो अगर आपका गाड़ी ऐसा है तो आप FIR करो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये सामने वाला मेरे को बहुत तकलीफ दे सकता है आगे जाके, तो फिर आप पुलिस स्टेशन में जाओ। पुलिस क्या करेगी, पहले शुरुआत में आप दोनों को समझाएगी कि आप दोनों अपना अपना कर लो करके शोरूम में जाके, इसलिए तो इंश्योरेंस बनाया जाता है ना। करेक्ट। और सर और एक जैसे है कि खुद ना खासा से किसी के साथ हो बट किसी ने ठोका और सामने वाला मर गया, तो वो केस में क्या होता है? मतलब वो केस में सर पुलिस केस होता है, ओनर के ऊपर भी होता है, इंश्योरेंस कंपनी पे भी होता है, और ड्राइवर जो चलाने वाला उसके ऊपर भी होता है। फिर ये कोर्ट में डिसाइड होता है
कि वो जो आदमी जो गया है उसका उम्र क्या था, फिर उसका मातृभूत आयु क्या थी उसकी, देन फिर उसको कितना कंपनसेशन मिलना चाहिए, उस कंपनसेशन में कितना कंपनसेशन आप दोगे, कितना कंपनसेशन इंश्योरेंस कंपनी बेयर करेगी, आपका भी उतना जिम्मेदारी जितना इंश्योरेंस कंपनी का है वो। इसमें अभी ये भी बात है कि गलती क्या था, क्यों हुआ था, कंडीशन क्या था, ये सब बाद में की बात है। गया ना वो तो उसको कंपनसेशन मिलना ही मिलना है, मिलना ही सिर्फ कितना मिलना चाहिए क्या मिलना चाहिए कोर्ट डिसाइड करता है, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। मैंने आप गए दो हफ्ते पहले मैंने केस सुनाया था, मैं सुनाऊंगा फिर कभी आपको, कि मेरे एक दोस्त से एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, आदमी रोड क्रॉस करते टाइम सीधा गाड़ी के सामने भागा क्योंकि बस पकड़ना था, उसका पैर में मार लगा, पैर फ्रैक्चर हो गया। तो वो आदमी को उस वक्त तो उन्होंने सेटलमेंट करके 20,000 रुपए दे दिया था, लेकिन 3 महीना वो घर पे पड़ा हुआ था, तो उसने 3 लाख रुपए का क्लेम किया था 2004 में। अच्छा 2004 में उसने 3 लाख का क्लेम किया था, ये केस चला 2016 तक, 2016 तक ये केस चला। और उसके बाद उसने कंक्लूजन ये निकला कि ओनर को बोला थे तुम्हारा कोई गलती नहीं, तुम्हारा गाड़ी का पेपर क्लियर था, इंश्योरेंस कंपनी को क्लियर कर दिया और ड्राइवर को भी 3 चेक। आवाज नहीं आ रही सर आपकी, किसी किसी का आवाज टूट रहा है, नहीं आ रहा है, नेटवर्क नहीं होना ठीक है। पैसेंजर को संभाल के चलाओ, लोगों को संभाल कर चलाओ, थोड़ा लेट होगा चलेगा, लेकिन पेडेस्ट्रियन को ज्यादा संभालो। गाड़ी में डैमेज हो गया ना तो इंश्योरेंस से भर के मिलेगा यार, किसी को इंजरी हो गया तो बहुत तकलीफ होती है। हम लोगों ने देखा है, वो जो शख्स थे ना मेरे काफी नजदीक के थे, तो आप सोचो ना 2004 से 2016 12 साल तक केस चला है। ओके ठीक है, हाँ एक मिनट बात आपसे सब लोगों से, अभी कुछ लोग तो यहाँ पे अभी निकल चुके हैं यहाँ से, लेकिन फिर भी मैं ग्रुप बना रहा हूँ, ये ग्रुप है व्हाट्सएप पे जिसका नाम होगा ड्राइविंग लिटरेसी करके। ऑलरेडी मेरे पास 3 ग्रुप है, 50 50 50 50 के 4 ग्रुप हो गए, 5वां ग्रुप बना रहा हूँ मैं, जिसके अंदर मैं इस तरह की कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा, आपको कोई डाउट है तो आप हमें पूछ सकते हो, देन कुछ नई टास्क आपको दूंगा, फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड लॉक ऑन करो आपकी गाड़ी का, ऐसा कुछ टास्क दूंगा, आप लोगों को टास्क पूरा करके मुझे उसका फोटो भेजना है, तो हम लोग ऐसा कुछ उसके साथ में एजुकेशन पर्पज के लिए है वो, तो अगर आप उससे जुड़ना चाहते हो तो मेरा नंबर आपके पास है, मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया था थोड़ी देर पहले। डायरी पे लिख के रखा है, अब मैं सबको एक नया ग्रुप बना के उसमें ऐड कर दूंगा, तो आज के लोग और वो लोग इन लोग को सबको मिला के एक नया ग्रुप बना रहा हूँ, क्योंकि 50-50 के मैंने ऑलरेडी 4 ग्रुप बना चुका हूँ, ये 5वां ग्रुप है मेरा। ओके तो देखो ये नंबर है मेरा, इससे आप मुझे व्हाट्सअप करो, मैं आप लोगों को उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ओके और कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको कोई मदद चाहिए, मेरा गैरेज इधर ही है घनसोली में, मेरा ड्राइविंग स्कूल नवी मुंबई में है। ओके और हम लोग कभी कभी ऑफलाइन क्लासेस भी लेता हूँ मैं, कभी कभी मैं कोई एक्स्ट्रा सेशन भी लेता हूँ, तो मैं उसका ग्रुप में डाल दिया करूंगा, आप आ जाओ। एक सेशन तो हम लोग ऐसा ले रहे हैं फिलहाल जिसका फीस है 4,000 रुपीज, जो एक हफ्ते का 1 वीक का कोर्स है, जिसमें हम पहले आपको थियोरेटिकल सिखाएंगे, उसके बाद आपको 4 दिन तक इधर सिटी में ड्राइव कराएंगे, और एक दिन आपको यहाँ से लेकर सीधा अपना खोपोली तक लेके जाएंगे, यहाँ से खोपोली ओल्ड पुना रोड से, ये यहाँ से लेके घोड़बंद रोड से थाना से वो जो फाउंटेन होटल है वहां तक लेके जाएंगे, और वहां से रिटर्न लेके आएंगे। तो ऐसा एक कोर्स है हमारे पास एडवांस कोर्स, वो उन लोग ने जिनके पास ऑलरेडी लाइसेंस है, तो अगर आप उस कोर्स में इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे उसके बारे में कुछ डिटेल्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। सर मैंने अप्लाई किया है 3 हफ्ते पहले ही, आपने कुछ रिप्लाई नहीं किया उससे सर, एडवांस कोर्स का। अब प्लीज मुझे वापस एक बार व्हाट्सएप डाले ना सर, प्लीज व्हाट्सएप डाले ना, हम लोग ये संडे को कर लेंगे ठीक है सर। ये संडे को मेरे पास 2 ही कैंडिडेट है। हाँ बोलिए सर, वो एडवांस कोर्स के लिए लर्निंग लाइसेंस चलेगा? नहीं परमानेंट लाइसेंस चाहिए, क्योंकि हम लोग हाईवे पे जाने वाले हैं, हम लोग हाईवे पे, तो आपका जिस दिन लाइसेंस बन जाएगा ना उसके बाद आना, उसमें बहुत कुछ है, मतलब क्लासरूम लेसेंस है उसमें, फिर ऑन रोड ट्रेनिंग है आपका उसमें, उसके बाद आपको वहां पर लॉन्ग ड्राइव ट्रेनिंग है, सब गाड़ियां रियल इक्विप्ड है ना, जो एडवांस कोर्स के बाद। हाँ जी ये ऑफलाइन रहेगा ना एडवांस कोर्स? हाँ हाँ ये ऑफलाइन रहेगा, थ्योरी क्लासेस भी ऑफलाइन है, और प्रैक्टिकल तो आपका हमारी गाड़ी पर ही होगा ना सर। कहाँ पर है आपका ये ऑफिस? घनसोली नवी मुंबई। ओके ठीक है, नंबर नोट करो, थैंक यू वेरी मच। अगले क्लास में कुछ नया टॉपिक के साथ हम लोग आपसे मिलेंगे, आई होप आप लोगों को ये काम आएगा।
मैं ग्रुप में डाल दूंगा फिर भी ये पीपीटी का, नोट कीजिए प्लीज।